देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तस्वीरों में बेटा बेटी के साथ मुस्कुराते दिख रहे पति पत्नी, ये सागर के डॉक्टर विजय पांडे की फैमिली है, जो मुश्किल वक्त में भी अपने फर्ज को निभाने में जरा भी पीछे नहीं हटे हैं और दूसरों के लिए भी कठिन परिस्थितियों में फर्ज निभाने की प्रेरणा देकर डॉक्टर की कहानी आप सुनकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल 3 साल की बेटी और 7 साल बेटे को गांव में दादी के पास छोड़कर डॉक्टर विजय पांडे पिछले साल की तरह इस साल भी मेडिकल मोबाइल यूनिट और कोविड केयर सेंटर के नोडल अधिकारी के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे ऐसा तब कर रहे हैं जब उनकी पत्नी, जो कैंसर से पीड़ित है और उनकी पिछले महीने ही कीमोथेरेपी कराई गई है, ऐसे विपरीत हालातों में डॉक्टर पांडे ड्यूटी कर रहे हैं, घर घर जाकर सैंपलिंग और कोविड सेंटर में इलाज कर रहे हैं। जहां एक और डॉक्टर विजय पांडे की पत्नी प्रीति पांडे का कैंसर का इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पिछले महीने ही वे कोरोना संक्रमित हो गईं। संक्रमण का प्रभाव ऐसा कि 16 अप्रैल से लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही उनका इलाज चल रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी डॉक्टर विजय पांडे ने अपना डॉक्टर धर्म निभाते हुए एक भी दिन कार्य को थमने नहीं दिया और निरंतर MMU और कोविड केयर सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे असामान्य व्यक्तित्व को सागर टीवी न्यूज सलाम करता है। मैं पिछले 1 साल से कोविड में AMO की पोस्ट पर मकरोनिया और कैंट का सदर का काम देख रहा था। पिछले 1 साल से मैंने कोविड केयर में होम आइसोलेशन पेशेंट्स पे वर्क किया है। जिनकी जो भी दिक्कत जाती थी वहीं पर उनको हम दवा देने जा रहे थे। मेरी पत्नी पिछले लास्ट जनवरी में उसकी ब्रेस्ट एफसेस का ऑपरेशन करवाने के बाद में कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसी कीमोथेरेपी पिछले 2 महीने से चल रही थी। 3 साइकिल के बाद में जो वहाँ से हम लोग जबलपुर से लौट के आए कीमो करवा के, तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव लास्ट 9 अप्रैल के लगभग में पॉजिटिव आई। 9 अप्रैल के बाद में हमने उनको 16 तारीख को एडमिट करवाया। 16 तारीख से कंटिन्यू हुआ भी रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट ही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन वर्किंग में ये दिक्कत जा रही है कि ना सभी कोविड पेशेंट्स के कॉल आते हैं तो हम लोगों को वर्किंग पर जाना ही पड़ता है, अदरवाइज उनकी कैजुअलिटीज़ का भी हमें ध्यान रहता है। हम अपनी फैमिली को किनारे करके उन अपने बच्चों के लिए दादी के पास में छोड़ने के बाद में अभी भी वर्किंग कर रहे हैं। और मेरी पेशेंट जो पत्नी मिसेस प्रीति पांडे अभी राय हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट हैं और वहाँ पर राय हॉस्पिटल का पूरा सहयोग हमारे साथ में है। वो अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम भी 2 बार देखने के लिए जाते हैं अपनी वाइफ के लिए। दिन में दो बार देखने के लिए जाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करते थे वो माँ से? बच्चों के लिए हमने यहाँ से ना सागर से ना उनके लिए ना बाहर भेज दिया, दादी के पास में गांव पर सिविल करके रखा है। वो दादी के साथ में गांव पर है। एक 3 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है, दोनों दादी के पास में। अच्छा, तो बच्चे यदि कहें कि हमें माँ को देखना है, मिलना है, तो क्या व्यवस्था? तो अभी वो बच्चे माँ के लिए न रहो तो इसीलिए हमने ना वो वीडियो कॉलिंग और कॉलिंग वगैरह सारी बंद करके रखी है, तो बच्चे जिसमें कि माँ को याद ना कर पाए। देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा PTO पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स PTO, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर, खुरई रोड, सहानी होटल के सामने, बीना। हमारे नंबर है 9926184111, 9926184101, सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111, 7610135101।